हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड पोर्ट। मैं हूं आपकी शेफ नायरा और आज हम बनाने वाले हैं लजीज सूफियानी बिरयानी। सूफियानी बिरयानी को वाइट बिरयानी भी कहते हैं। इसका एक डिफरेंट टेस्ट होता है और खाने में बड़ी ही मज़ेदार होती है। ये एक पक्की अखनी की बिरयानी है। सैटिस्फाई योर क्रेविंग्स विद आवर रेसिपीज। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आ रहे हो, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो हड्डी वाला गोश्त, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए, गोश्त के पीसेस हमें थोड़े से बड़े ही रखना है। हम यहाँ दो मैरिनेशंस करेंगे। पहले मैरिनेशन में मैंने यहाँ यूज़ किया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 नमक स्वाद अनुसार। इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और इसे साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे एक मसाला पेस्ट, जिसके लिए हमें लेना है 2 जावित्री के फूल, 1 बड़ी इलायची, 15 लौंग, 15 हरी इलायची, 100 ग्राम बादाम, 4 दालचीनी के टुकड़े, हरी मिर्च 15 से 20, यहाँ मैंने बड़ी और छोटी मिर्च का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में हम लेंगे 1 बड़ा लहसुन। चलिए अब हम इन सबको रोस्ट कर लेते हैं। पहले हम बादाम और खड़े गरम मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। फिर उसी पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम होने पर लहसुन और हरी मिर्च को सौते कर लें। हल्का सा गोल्डन होने पर इसे निकाल लें। देखिए, यहाँ मैंने बादाम और खड़े मसालों का पाउडर बना लिया है, जिसमें से मैं 1.5 टेबलस्पून मसाला अलग निकाल लूँगी। और फिर हरे मिर्च और लहसुन डालकर इसे बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेना है। सूफियानी बिरयानी का मेन मसाला यही है, इसी पर बिरयानी का टेस्ट डिपेंड करता है। तो ध्यान रहे, मैंने जो प्रोपोर्शंस आपको बताए हैं उसे ही फॉलो करें। देखिए, हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। अब बढ़ते हैं सेकेंड मैरिनेशन की तरफ, जिसमें मैंने लिया है 250 ग्राम दही, बनाया हुआ मसाला पेस्ट, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून शाजीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 नींबू का रस, तली हुई प्याज। मैंने 3 बड़ी प्याज को फ्राई कर लिया था, यहाँ हम सिर्फ आधी ही यूज़ करेंगे। लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। चलिए अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढांक कर पका लेते हैं, ताकि गोश्त अपना पानी छोड़ दे। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, पानी आ गया है।
अब हम इसमें 150 ml पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। और लो फ्लेम पर ढक कर पका लेंगे जब तक गोश्त अच्छा सॉफ्ट ना हो जाए। ये जब तक होता है हम बिरयानी के चावल बना लेंगे। पानी में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून तेल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज पत्ता, 5 हरी इलायची, 6 लौंग, नींबू के छिलके, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा मसाला और नमक हस्ब जायका। पानी में उबाल आने पर हम डालेंगे 1 किलो सोक किया हुआ बासमती चावल। चावल 90% पकने पर हम इसे निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं अखनी की तरफ। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं चेक कर लूंगी कि गोश्त गला है या नहीं। देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप तेल, 1 कप तेल डालने के बाद हमें अग्नि में चम्मच चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लेना है। सूफियानी बिरयानी की अग्नि रेडी है। अब हम चावल की फर्स्ट लेयर डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बनाया हुआ मसाला पाउडर जो हमने शुरू में बना लिया था, थोड़ी सी तली हुई प्याज और हरा मसाला डालकर हम चावल की सेकेंड लेयर को डालेंगे। सेकेंड लेयर लगाने के बाद लास्ट में और थोड़ी सी तली हुई प्याज और हरा मसाला डालकर इसे फॉइल से कवर कर लेंगे और फिर इसे बंद कर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम होने रख दें। सूफियानी बिरयानी दम हो गई है। चलिए मैं आपको इसे खोलकर बताती हूँ। देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। इसकी महक बहुत ही उम्दा होती है। देखिए नीचे भी नहीं लगा है। गोश्त बहुत ही टेंडर हो चुका है। ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार बना है। आप इसे ज़रूर बनाइए और इसके आला जायके का लुत्फ़ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।